चाइन बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म बीएचयू पार्ट सनाफी, जहां पे हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस, और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कॉमनली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ सीएचएस क्लास 6 9th एंड 11th। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे के 50 क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। So, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप सीएचएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप क्लास 6 में 5th में और 6th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, 8th में और 9th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आप 10th में और 11th की ह्यूमैनिटीज के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सारी बैचेस हमारे यहाँ रन कराई जा रही है। और अगर आप इनरोल होना चाहते हो उसमें, और आपको बता दें कि उन बैचेस में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे लाइक कंप्लीट सेक्शंस आपके साइंस, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, सब कुछ कंप्लीट पैकेज है आपका जस्ट रुपीज 1500। और ये कहाँ पे आपका, हम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो, वीओ नंबर पे कॉल कर सकते हो 9519383272 पे। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी का ये स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड्स को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो सबसे बड़ा डेल्टा भारत का कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है, तो गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में है आपके। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था। तो महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था, 1014 में, 1014 ईस्वी में। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये मत्स्य उत्पादन, ये मछली उत्पादन से आपकी नीली क्रांति संबंधित है। पीलिया किसम का रोग है, तो ये यकृत या लीवर में होता है आपके। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 अक्टूबर को। अभी मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस भी किया था अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस का दिन। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली, तो मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार हमारा दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके निर्माण का शुभारंभ किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है महाकवि कालिदास को। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तूफान में। जो बैरोमीटर होता है, अगर वो तेजी से गिरावट हो रही है उसमें, उसके मीटर में, तो किसी चीज का तूफान का ही आपका संकेत है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो भारतीय मरुस्थल का नाम है आपका थार। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। पीलिया किस अंग का रोग है, तो यकृत का रोग है वो, ठीक है। मानव रक्त में कितने समूह होते हैं, मानव रक्त में आपके 4 समूह होते हैं, कौन कौन से, ए बी ए बी ओ, ये 4 आपके ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। कौन सा रक्त, यह कौन सा रक्त सब सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही मतलब किसी को भी ले सकता है, किसी से भी ले सकता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ए बी होता है। और कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है, किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, दैट इज ओ, ठीक है। मानव रक्त में कितने परसेंट प्लाज्मा होता है, तो माइनस, मानव रक्त में कितने परसेंट प्लाज्मा होता है आपका, 0.06%, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ मतलब कॉलम्स होते हैं, तो कौन कौन 4 होते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट देख लेते हैं, शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है वाट या फिर जूल प्रति सेकंड, ठीक है, या फिर शक्ति के मात्रक होते हैं, एनर्जी जिसको आप बोलते हो। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। और मानव मूत्र क्या होता है, ये एसिड होता है, यानी, ठीक है। नेक्स्ट, खट्टे फलों में क्या होता है, खट्टे फलों में हमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड जो होता है हमारे यहाँ पाया जाता है, खट्टे फलों को जो हम खाते हैं उनमें ये पाया जाता है। कार्य की इकाई क्या होती है, किसी भी काम को करने के वर्ग की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी क्या होती है, महाधमनी, धमनी मतलब आपकी वीन्स, ठीक है। तो उसमें कौन सी होती है, उसका नाम क्या है, महाधमनी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो होता है वो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसका नाम अभी बदल दिया गया है, आप लोगों का होमवर्क है कि इसको आपको जाकर के चेक करना है। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, तो भारत को कहा जाता है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई, इंग्लैंड में हुई थी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी CJI ऑफ इंडिया, चीफ जुडिशियल जो हमारे होते हैं पूरे इंडिया के, जो कि सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे क्या कराते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। मछलियां के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन डी, या आपका विटामिन डी और कहां पाया जाता है, सनलाइट में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए, नोबेल पुरस्कार आपके 1901 ईस्वी में शुरू हुए थे, ठीक है। आप देखते हो ना बहुत सारे लिटरेचर में, साइंस में, विभिन्न जो हमारे फील्ड है उसमें हमें दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, तो कभी से हुआ था 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपग्रह कौन सा है, तो ये भारतीय
उपक्रम कौन सा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म कौन सा है, दैट इज भारतीय रेल। भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है, तो उत्तर रेलवे जो है हमारी, उसमें भारत की जो रेलवे जोन की लंबाई है सबसे अधिक है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है, भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग है, ठीक है। रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को, और आपका होमवर्क है कि क्यों मनाया जाता है, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो अकबर और हिमू के बीच में हमारी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। गन्ने का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है, यानी जो आपका शुगर केन होता है उसका मेन जो प्रोड्यूसिंग कंट्री हमारी कौन सी है, भारत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव का एक मिनट में हृदय कितनी बार स्पंदन होता है, यानी कि हार्ट बीट जो होती है हमारी एक मिनट में कितनी बार होती है, नॉर्मल हार्ट में 72 टाइम्स। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है किससे, सूर्य से, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण यानी जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए हमें ट्रीज को कहां से एनर्जी मिलती है, दैट इज फ्रॉम सन, ओके। यूरिया होता है नाइट्रोजनी उर्वरक, यानी यूरिया जो होता है खेत में जिसका छिड़काव होता है वो क्या होता है, रियलिटी में नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा और व्यापक राज्य जो है आपका वो हमारा राजस्थान है। अशोक चक्र में कितनी तीरियां होती है, 24 होती है, हमारे झंडे में भी आपने देखा होगा उसको। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी, राजा हरिश्चंद्र, और इसको आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के ने पहले तो बनाई थी इसको, और कितनी स्ट्रगल्स के साथ में बनाई थी, इसके ऊपर आपको एक स्टोरी या मूवी भी दिख जाएगी, आपको जाकर के देखना। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है हमारी, स्टेपेज होती है, स्टेपेज कहाँ होती है, ये आपका होमवर्क है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, यानी जो हमारी थाइज होती है वहां की जो बोन होती है सबसे बड़ी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है, पेशियां मतलब मसल्स, कितने होते हैं, 639, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया कितने बोन्स होते हैं, दैट इज 206। लाल रक्त कणिका यानी कि जो आरसीबी होती है, तो जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, यानी जो आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो आपके लाल खून होते हैं, उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, वो होती है कितनी, 120 दिन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि आपके सीएचएस के एंट्रेंस एग्जाम्स में क्लास 6th 9th और 11th में पूछा जाता है। आप बिल्कुल भी अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरे अलग अलग सेक्शंस की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, और अलग अलग सेक्शंस में हम इसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारी ऑनगोइंग बैच, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके सीएचएस के एग्जाम में, और अगर आप उससे पहले हमारी बैच को ज्वाइन कर रहे हैं या करते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन गारंटीड अच्छी होने वाली है, जिसमें हम बहुत सारे सेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, और यूट्यूब की जो फ्रेश सेशंस है उसमें आप देखेंगे कि कितने क्वालिटी कंटेंट के साथ में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी डेमो क्लासेस है जो कि आपको दिखाई जा रही है, इसलिए क्योंकि आपको पता चल सके कि किस अप्रोच के साथ में अपनी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दैट इज आपको कॉल क्या करना है, 9519383272 पे कॉल करना है, और जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।